आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कश्मीरियों को समझा गया वोट बैंक, नेताओं ने दो समुदाय के बीच खड़ी की दीवार। अखिलेश यादव ने बीजेपी से पूछा सवाल, उत्तर प्रदेश में कितने युवाओं को मिला रोजगार। बंगाल के राज्यपाल का ममता पर हमला, कहा 15 किलोमीटर रेंज की बात करके समस्याएं पैदा क्यों करती है सीएम। महंगाई के खिलाफ रविवार को जयपुर में कांग्रेस की महारैली, राहुल और प्रियंका भी लेंगे भाग। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई में धारा 144 लागू, लेकिन तिरंगा रैली को लेकर अड़ी AIMIM। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आज आगरा पहुंचा। यहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, एयर कमांडिंग ऑफिसर AOIC एस के वर्मा और पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि यहां से उनका शरीर फूलों से सजे सैन्य वाहन में MG रोड होते हुए दयालबाग स्थित घर लाया गया। इस दौरान तमाम पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा में इस वक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अयोध्या पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अवध विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद किया। धर्मेंद्र प्रधान ने गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं राम की नगरी में हूं और यहां कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को और आम लोगों को परेशान करने का काम किया है। एक मेरा सौभाग्य है, मैं आप लोगों के साथ महाप्रभु की नगरी अयोध्या में खड़ा हूँ। एक बात कही आती है, प्राण चली जाए बचन ना जाए, जीवन चले जाए भले ही बचन ना जाए। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को, इस राज्य को शासन किया, अब जाइए अमेठी और रायबरेली की हालत को देखिए। जिन्होंने, जिन इलाका के लोगों ने प्रजातंत्र में भरोसा करके उस खानदान को दो तीन पीढ़ी तक नेतृत्व दिया, क्या स्थिति है रायबरेली अमेठी का। अगर अमेठी में विकास करते तो बहन स्मृति ईरानी इतने मतों में पिछले बार नहीं जीतती। जिन लोगों ने कभी किया ही नहीं, इस देश का दुर्गत किया, देश की पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और गरीब रखा, वो घड़ियाली आंसू बहाने के बाद भी कोई मानने वाला नहीं। वही औरैया के सदर कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के मौके पर सदर कोतवाली में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सिंह ने अपने देखरेख और नेतृत्व के सामने आ रही शिकायतों का तत्काल ही निस्तारण करने का आदेश दिया। सदर कोतवाल को दिए गए ज्यादातर मामले जमीन और खेत से संबंधित थे। मौके पर मौजूद लेखपाल को पुलिस अधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। शासन की प्रथम प्राथमिकताओं में से एक, हर शनिवार को तहसील दिवस यानी जो संपूर्ण समाधान दिवस है वो, और थानों पर जो है तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी परिपेक्ष में जितने भी हमारे गसड़ अफसर हैं वो सब जाते हैं थानों पर। एक गसड़ अफसर को दो थाने जो है वो देखने होते हैं और वहाँ मौके पे ही प्रार्थना पत्र लेकर के और रेवेन्यू और अन्य विभागों की जो टीम है उसको साथ में लगा करके निस्तारण किया जाता है। आज भी मैं यहाँ औरैया कोतवाली में आया हूँ और प्रार्थना पत्र की सुनवाई हो रही है और हमने टीम बना। बैरामपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। इस जानलेवे हमले में जिला उपाध्यक्ष पंकज लोधी बाल बाल बचे। घटना को लेकर जानकारी दी गई कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष की कार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया।
हमलावरों का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने बदमाशों को मौके से भगाया। जिला उपाध्यक्ष की तहरीर पर सिविल लाइन थाने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं पंकज कुमार लोधी, जिले का उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 3 बार से उपाध्यक्ष हूँ। मैं शादी समारोह में पटवाई से वापस लौट रहा था तो फसियापुरे के चौराहे पे कुछ लोग लाठी डंडे लिए खड़े हुए थे और वो बसों से उतरे। 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी आती है, उस पर झपट एकदम से जैसे शेर झपटता है अपने शिकार पर, इस तरीके से हमारी गाड़ी पे बगैर बात किए शीशे के गाड़ी के शीशे तोड़े और एक व्यक्ति ने इशारा करके बस को बुलाया गाड़ी पे चढ़ाने के लिए। इसी बीच में हमारे एक पुलिस के हैं जो भी हैं इंस्पेक्टर आ जाते हैं बीच में, नहीं तो वो हमारी गाड़ी पे चढ़ा देते और जान से मारने का। वही यूपी पुलिस के वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बुलंदशहर पुलिस अव्वल रही। वही बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले डिबाई सीओ वंदना शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में 8 जोन की सिविल पुलिस और पीएसी बल की तरफ से प्रतिभाग किया गया था। बुलंदशहर पुलिस की तरफ से वंदना शर्मा ने 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीत के बाद बुलंदशहर पुलिस में खुशी का माहौल देखने को मिला। सीओ वंदना का बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सम्मान किया। ये नतीजा बहुत अच्छा रहा। ये इंटर जोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता थी जिसमें मेरठ जोन ने काफी लंबे समय के बाद शील्ड हम लोग मेरठ जोन में वापस लेकर आए हैं और इसमें जो राजपत्र अधिकारियों को जो प्रतियोगिता हुई है उसमें मेरा व्यक्तिगत। सूबे की सरकार की मंशा के अनुरूप औरैया जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। सदर तहसील क्षेत्र के चौधरी विशंभर सिंह विद्यालय में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी समेत जिले के प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी कार्यकारिणी के कई नेता मौजूद रहे। कुल 229 जोड़ों ने एक साथ सारी रस्में निभाई और शादी के बंधन में बंध गए। खबर चंदौली से है जहां पर सदर विकास खंड परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 78 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इन जोड़ों को योजना के तहत आवश्यक उपहार भेंट किए गए। जिलाधिकारी संजीव सिंह सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचकर परिणय सूत्र में बंधे। नवविवाहित जोड़ों को मंगल भविष्य की कामनाएं दी गई। बता दें कि सामूहिक विवाह योजना के साथ सदर विकास खंड परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवरिया शहर के राघव नगर मोहल्ले में रहने वाले हंसनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया कि उनकी दुकान पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा करने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरी दुकान पोस्टमार्टम चौराहे पर काफी सालों से है। इस दौरान मुझे कुछ दबंग लोग परेशान कर रहे हैं और मारपीट कर दुकान को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कई भाजपा नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से भी की है। हमारा नाम अमित तिवारी है, हमारे पिताजी का नाम श्री हंसनाथ तिवारी है। हमारी जलकर रोड पर दुकान नंबर 19 सहकारी बाजार कोऑपरेटिव की दुकान थी जिसको रविपाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और नंदकिशोर पाल, पिंटू जायसवाल और दर्जा पत्र मंत्री नीरज शाही जो है नए भूमाफिया की तरह से हमारे दुकान पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे दुकान का सारा सामान वहाँ तोड़ कर हमारी दुकान की चाबी छीन ली, हमारे साथ काफ़ी मारपीट किए हैं और दुकान पर जबरन कब्जा कर करके इस समय चाय की भट्टी रख के और जायसवाल टी स्टॉल का बोर्ड लगा करके चाय बनवा रहे हैं और वहाँ सभी नेता बैठकर चाय पी रहे हैं। हमारे दुकान का शटर और दीवार जो है भाजपा के कलर में रंग दिया गया है और SDM साहब देवरिया सदर इनके शॉप पर भी ये सारी चीज़ें थाना कोतवाली की मिली हुई हैं। इन सबके शॉप पर ये हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है और हमने जिला प्रशासन को सारे अधिकारियों को इसकी सबकी लिखित जानकारी दी है लेकिन कहीं से हमको कोई सहायता नहीं मिल रही है और अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बता रहे हैं कि दुकान उनकी है, आप दुकान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं? नहीं सर, हमारी दुकान है, हंसनाथ तिवारी कब्जा करके रखे हुए हैं, बोलने पर मारने पीटने की धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं जो दुकान पर चढ़ के आओगे तो मार दिए जाओगे।
आप क्या चाहते हैं? सर मेरी दुकान है, मैं चाहता हूँ मेरी दुकान से लिकट जाए। दुकान आपके नाम से? हाँ, आपके हमारे नाम से दुकान है। वो तो बता रहे हैं कि कागज में हमारा नाम चढ़ा हुआ है। सर इसका जांच कर लीजिए, विभाग देने वाला है, विभाग से जांच कर लिया जाए। विभाग द्वारा नोटिस भी आई थी क्या? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। क्या नाम है आपका? चंद्रवान जायसवाल। ये आरोप टोटली बेबुनियाद है और हम तो हंसराज तिवारी को भी नहीं जानते हैं और जिनके पक्ष में इन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा दुकान खाली कराया गया, हम दोनों पक्षों को जानते भी नहीं है और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह का आरोप लगाया है जो टोटली बेबुनियाद है। अगर उनके पास किसी भी तरह का कोई ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, जिसमें हम लोगों ने धमकी दिया हो उनको या उनके दुकान पर जाकर हम लोगों ने इस तरह का। वही फरीदाबाद के अतिथि अध्यापक परिवहन मंत्री मूलचंद्र शर्मा सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे, जहां पर महिला अध्यापकों ने अपने खून से ज्ञापन लिखा और आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए झूठे वादों के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाने वाले शिक्षकों की मांग है कि भाजपा सरकार ने 2014 में उन्हें पक्का मकान और समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मांग पर अभी तक भी कोई काम नहीं किया गया है। इसी के साथ हंगामा करते हुए सरकार से मांग पूरी करने की बात कही गई। टीचरों की बहुत लंबे समय से रिमांड है उनकी, जो पूर्व की सरकार में ये हाई कोर्ट से इनको निकाल दिया था और उस समय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामलाल शर्मा जी थे, उन्होंने ये लगे थे पूर्व की कांग्रेस की सरकार में डीसी रेट पर और उन्होंने घोषणा करी थी कि इनको हम कोई समाधान ऐसा निकालेंगे कि इनकी नौकरी नहीं जाए और इनकी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनकी जो ग्रेड थी तनख्वाह का थी वो फिक्स की थी। अब इनकी मांग है कि भाई हमारे उसको नहीं फिक्स नहीं कराया, उसको और बढ़ाया जाए कि हम सबके साथ काम करते हैं उतना ही सम्मान। लंबे इंतजार के बाद, संघर्ष के बाद 2019 में सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का मकसद था जो बिल इन्होंने बनाया है उस बिल के सर्विस रूल बनाए जाएं, लेकिन 2019 में कमेटी बनने के बाद आज तक भी कोई सर्विस रूल सरकार ने नहीं दिए हैं। अब 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ने अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग के लिए बुलाया और 30 अक्टूबर को सभी सर्विस रूल लागू करने, समान काम समान वेतन देने और अन्य जो भी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाती है उन सभी। वहीं नेपाल से लापता युवक को स्टेट क्राइम की टीम ने आज उनके परिजनों को वापस कर दिया। वहीं उनके चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली। स्टेट क्राइम के एएसआई के मुताबिक युवक नौकरी की तलाश में आया था और सही नौकरी न मिलने के चलते फरीदाबाद में बेरोजगार के दौर में भटक रहा था। उसके पास खाने और किराए तक के लिए रुपए नहीं बचे थे, वो सड़कों पर भटक रहा था, जिस पर स्टेट क्राइम की टीम की निगाह उस पर पड़ी तो स्टेट क्राइम की टीम ने युवक को ग्राम बघोला सेवा घर में रखवा दिया और उनके परिजनों की तलाश में उनकी टीम जुट गई। उन्होंने इस बारे में नेपाल के रेस्क्यू ऑफिसर नवीन जोशी से संपर्क किया जो नेपाल के लोगों के खोए हुए लोगों को खोजने में मदद करते हैं, जिसके बाद नवीन जोशी ने नेपाल में युवक का पता खोज निकाला और उनके परिजनों से संपर्क किया। सभी कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। ये नेपाल सुर्खेत जिला के रहने वाले हैं और पिछले 3 महीने से ये गुमशुदा थे नेपाल से और नेपाल में कई बार खोजने की कोशिश किया है परिवार वालों से, बट वो मिले नहीं थे। और कुछ दिन पहले यहाँ से एएसटीयू से फ़ोन गया अमर सिंह जी का कि एक नेपाली जो है युवक यहाँ पे है लावारिस हालत में, तो उनकी जानकारी हमें दी गई और हमने भी नेपाल में इसकी जानकारी दिया गया और वहाँ से प्रोसेस करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और कानूनी प्रक्रिया है पूरा कर लिया गया है और उनका घर खोजने के बाद आज उनके परिवार वालों को हम यहाँ। वही फरुखाबाद में वोट न देने पर दबंग हिस्ट्री शीटर ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले लोगों के घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। 5 लोगों को इस मारपीट में गंभीर चोटें आई हैं। हरनाम सिंह के आतंक से पीड़ित परिवार बहुत ज्यादा परेशान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने थाने में इस पूरे मामले की तहरीर दी और हिस्ट्री शीटर ने दबंग के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे डाली। हिस्ट्री शीटर की धमकी देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो
के सामने आने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यह पूरा मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के भिड़ौर गांव का बताया जा रहा है। मेरे साथ घटना की हुई है, हरनाम सिंह विष्णु सीटर है, इन्हें चुनाव लड़ा प्रधानी का, इन्होंने इनको वोट नहीं दिया, इन्होंने मेरे घर पे की आज मारपीट और ये कहा है थाने में अगर दरखास्त दोगे आपको जान से मारने की धमकी है। जान से मारने की धमकी दी कितने? वही फतेहपुर में असलहे के बल पर मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जहां पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 15 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जिले के थाना असोथर क्षेत्र के सुनार से लूटे गए आभूषण भी इस पूरे मामले में बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर खागा पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना खागा पर कुछ दिन पहले एक मोबाइल लूट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 3 सवार बदमाश मोटरसाइकिल सवार अपाचे आए थे और मोबाइल लूट के ले गए थे। उस घटना का खागा पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। लूट का मोबाइल और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने कुछ दिन पूर्व असोथन में एक सराफा व्यापारी जो बर्तन का भी व्यापार करते थे उनसे 1.5 kg चांदी और कुछ रुपए इन्होंने लूट लिया था, उसका भी खुलासा हुआ है। इसमें जो आदिल हुसैन उर्फ टमाटर वो उसमें शामिल था, इसके 2 साथी और भी अभी हैं जो असोथर वाली लूट में हैं और इसमें भी लूट में हैं। 2 आदिल के जो दोस्त पकड़े गए हैं ये चोरी का माल खरीदते थे और बेचते थे। लूट के अलावा 14 लूट के मोबाइल के अलावा 14 अन्य मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें आईफोन भी हैं, बड़े महंगे फोन हैं। वही फतेहपुर में एक पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ सुजानपुर स्थित गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष हेमलता पटेल से मिली और अपनी समस्या बताकर सहयोग की अपील की। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि ससुराली जनों की तरफ से उत्पीड़न का ये पूरा मामला था। वहीं मामले को अध्यक्ष हेमलता पटेल के संज्ञान में आते ही तत्काल ससुराली जनों से बात की गई और अपने स्तर से इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद ससुराल वालों ने तुरंत उस पूरी बात को मान लिया और गलती मानते हुए अब दोबारा ऐसा न करने की बात कही। महिला और उसके परिजनों ने अध्यक्ष हेमलता पटेल का आभार भी व्यक्त किया। समस्या थी ससुराल वालों के खिलाफ, तो हम दीदी के पास आए थे, हमारी कार्रवाई दीदी आगे तक बढ़ाई है, उसके लिए हम दीदी के पास आए थे, उन्होंने फोन कर दिया। मेरे पास एक मैटर सुबह आया, महिला प्रताड़ित थी, अपने परिवारिक जनों के साथ में मेरे पास आई हुई थी। उसको ससुराल से बहुत दिक्कत थी, 3-4 महीने से वो एक छोटी सी बच्ची को लेकर के अपने मायके में रह रही थी। किसी ने उसको बताया कि दीदी समस्या का समाधान कर देंगी, वो मेरे पास आई। मैंने तुरंत उसके मैटर को संज्ञान में लिया, ससुराली जनों से मैंने फ़ोन में अपने हिसाब से बात किया, उनको समझाया बुझाया। वो काफ़ी मेरी मेहनत के बाद उन्होंने ले जाने के लिए लड़की को तैयार हुए, आज ही वो लड़की को ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उसका मामला तो साल्व हो गया है, लेकिन बहुत सी समस्याएं महिला उत्पीड़न को लेकर के आती हैं। आज मैं महिला थाने भी जा रही हूं महिलाओं के मैटर को लेकर के। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग। वही महोबा में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। ब्लॉक प्रमुख पर केस दर्ज होने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। केस दर्ज होने के बाद मामले की जानकारी दी गई कि ब्लॉक प्रमुख के साथ 2 अन्य साथी भी थे जो इस पूरे मामले में आरोपी बताए जा रहे थे। फिलहाल युवक की हत्या और ब्लॉक प्रमुख पर दर्ज हुए मुकदमों के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वही मथुरा के बीएसए इंजीनियर कॉलेज नगर निगम मथुरा वृंदावन की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 141 नवविवाहित जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 135 हिंदू नवविवाहित जोड़े और 6 मुस्लिम जोड़ों की शादी कराई गई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बता दें कि समाज कल्याण विभाग में से चल रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नव विवाहित जोड़ों का विवाह हर साल कराया जाता है, जिसमें गरीब परिवार के लोग अपने अविवाहित लड़के लड़कियों की सामूहिक शादी कराते हैं।
सर बताएं मुख्यमंत्री राहत को से इनका शादी समारोह संपन्न हो रहा क्या है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज यहाँ नगर निगम के द्वारा 141 जोड़ों तो आज यहाँ विवाह बंधन में सभा बंध रहे हैं। उसमें कुछ मुस्लिम जोड़े भी हैं और कुछ हिंदू जोड़े भी हैं। तो एक सरकार की पहल है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सरकार पहुँच रही है। और यहाँ जो महल जो बेटी है उसके खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। बाकी जो सामान है उसका भी हम लोगों ने आपके सामने अवलोकन किया है। तो प्रयास सरकार का यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं बिना भेदभाव के उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए ये सामूहिक विवाह का एक हमारी सरकार का आयोजन का निश्चय किया है कि हम बिना भेदभाव के सामूहिक विवाह कराएँ, जिसमें कोई भी जाति का लोग आ सकता है, कोई भी इसमें रह सकता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ऐसा हमारी सरकार मान के चलती है। तो बिना भेदभाव के यहाँ पर 141 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। 141 जोड़ों में 6 जोड़े मोमडन समाज से भी हैं। सर बताएं मुख्यमंत्री। वही फतेहपुर जनपद के विकास खंड मलवा ब्लॉक के पास आने वाले जेडी सिंह महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर मतदाताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। दुर्गागंज गांव में रैली निकाली गई। मतदाता रैली में महाविद्यालय के प्रबंधक सहित कई लोग शामिल रहे और जानकारी दी गई कि इस रैली को हर गांव में निकाला जाएगा और वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखपुर का जिला आबकारी विभाग की तरफ से कच्ची शराब के ठिकाने और कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बता दें कि आबकारी टीम ने नगर निगम की मदद से जेसीबी लगाकर कच्ची शराब के कई संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी और कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 207 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और मौके पर धधक रही 25 भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही लगभग 15,000 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग जो है थाना राजघाट के अंतर्गत अमरतानी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो है दबिश की कार्रवाई की है। लगभग 260 लीटर अवैध कच्ची शराब वहाँ पर बरामद हुआ है। नगर निगम के सहयोग से जो है जेसीबी भी लगवाई गई थी। करीब 15,000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट हुआ है। करीब 25 भट्टियों को तोड़ा गया है और हम लोग की जो ये कार्रवाई है अवैध कच्ची शराब के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।